नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं NBC 24। आज बीजेपी के जो NDA के उम्मीदवार थे राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दर्ज कर लिए। नामांकन दर्ज के बाद में नीतीश कुमार भी और बीजेपी के कहें तो तमाम बड़े नेता जो घटक दल के हैं सभी मौजूद थे। और नामांकन दर्ज करने के बाद में नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया से उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि सुशील कुमार मोदी हैं जो राज्यसभा का पहले भी कैंडिडेट रह चुके हैं, विधानसभा का भी रह चुके हैं और विधान परिषद का, इसलिए इनके पास लंबे टाइम का अनुभव है। और जब केंद्र में जाएंगे तो अच्छा काम करेंगे, देश के हित में काम करेंगे, बिहार के लिए काम करेंगे और बिहार का विकास होगा। और उन्होंने क्या कहा, उनकी पूरी बातों को आप सुनिए। भारत सरकार ने जो स्पेशल ट्रेन चल रही थी उसको लागू किया कि उसका किराया महंगा होगा। अगर कहीं से भी चल रहे हैं आप स्पेशल ट्रेन से, तो अगर बीच में भी उतरते हैं तो 500 किलोमीटर का आपको किराया देना, इस पर क्या कहना है ना? वो तो अब जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो किया है तो अपना जगह पर वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ का जो जनता है और वो स्पेशल के कारण से जो गरीबी है और जो जनता है उसके लिए थोड़ा सा हमको दिक्कत महसूस हो रहा है, इसलिए इसको कम किया जाए। और जो जितना भी जो COVID-19 जो विश्व भर जो एकदम त्रास में है, जिससे विश्व ताहिमाम ताहिमाम का जो रास्ता जो ले रहा है, उसमें ये चीज़ का और बढ़ावा देकर, अभी आदमी का रोजगारी नहीं है, दुकान बंद है, मठ मंदिर बंद है, वहाँ पर जो यहाँ का जो जनता है जो दो पैसा जो कमाएगा वो बंद है, उसमें स्पेशल ट्रेन के नाम पे अगर वो जो हो रहा है तो मेरे विचार से गलत हो रहा है। लेकिन पूरे कोरोना काल को अगर देखा जाए तो लोगों की नौकरी चली गई, आर्थिक स्थिति खराब था, पूरे देश तबाह है, पूरा विश्व तबाह है, उसके बावजूद भी किराए में जो महंगाई जो बढ़ गई है और किराया लिया जाएगा तो क्या लोगों के हित में क्या होगा? बहुत लॉस है। तो आप क्या कहना चाहें भारत सरकार के लिए? ना, गवर्नमेंट के लिए तो प्रॉफिट है, वो लोगों को आप जैसे यहाँ का राजनीति है जो है, यहाँ का जैसे नेता लोग है, वो लोगों के लिए तो कुछ नहीं है। यहाँ का जनता वो लोगों को सेलेक्ट कर अपनी जगह पे पहुँचाया गया है, वो लोग का अब निर्णय करने वाला है। निर्णय करने के लिए तो हम लोग बहुमत देकर तो पठाए हुए हैं, लेकिन वो निर्णय का तहत में जो ये जो डिसीजन जो लिया है वो सरासर गलत है। क्योंकि यहाँ पे अब जैसे ये अभी बिहार पटना जंक्शन में है, हम लोग बिहार नहीं, इंडिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे एक कोरोना के लेकर आदमी परेशान है, सब जगह पर परेशानी हो रहा है। इसके कारण से अभी जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो महंगाई जो बढ़ाई है, उसे मेरे विचार से और संपूर्ण बिहारवासियों के नज़रिए से विचार से उन लोगों को तुरंत कम करना चाहिए और जितना हो सके तो यहाँ का जनता के लिए और जो प्रिफ्रेंस जो होता है पूरे खुली तरह का से, जिसके इसके लिए अगर जो यहाँ का जो जनता जो जीता है तो ये देश रहेगा, अगर जनता नहीं है तो देश नहीं है, देश नहीं है तो प्रधानमंत्री कहाँ से है, मुख्यमंत्री कहाँ से है। तो मेरे गुजारिश है माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय यहाँ का उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, आप लोग अपने अपने स्टेट में राष्ट्रीय में अभी कोरोना से जो आदमी जो मर रहा है उसमें एक हाथ हाथ में हाथ मिलाकर चले और ये जो महंगाई का उसे कम करे, वही हम कहना चाहते हैं यहाँ से। लोग के पास पैसे नहीं है, जेब खाली पड़े हैं, नौकरी नहीं है, लेकिन सफ़र करना है और सरकार किराया बढ़ा रही है, इसी को लेकर पटना जंक्शन पे है और लोग हमारे साथ है, जानते हैं हम इनसे। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जाना है? गया जाना है। अब स्पेशल ट्रेन की किराया बढ़ रही है, जैसे आप कम भी दूरी तय करते हैं तो 500 किलोमीटर का किराया आपको देना होगा, क्या कहना चाहते हैं इस पर? सरकार को सोचने और विचार करने का परामर्श होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का स्टूडेंट है, यहाँ पर जाने के लिए भाड़ा भी बढ़ गया है हम लोग का, इसी में थोड़ा सा परेशानी होता है। प्लस लोग के पास नौकरी नहीं है, आर्थिक मंदी से पूरा दुनिया तबाह है, परेशानी झेल रहा है, उसके बावजूद भी किराया की जो स्पेशल ट्रेनों की बढ़ रही है, अगर आप राजेंद्र नगर से चलते हैं और बीच में कहीं भी उतरते हैं तो आपको 500 किलोमीटर का भाड़ा देना होगा। हाँ, ये स्पेशल ट्रेनों के लिए है जी। इस पर यही है कि सरकार अपना सोच विचार कर अपना करे और काम करना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को पूरी तरह से कम करना चाहिए, लोगों का ध्यान रखना चाहिए, जिस तरह से पूरी दुनिया तबाह है, अभी भी कोरोना का संक्रमण पूरे दुनिया में है, अभी वैक्सीन नहीं आया तब तक परेशानी है,
और पिछले लगातार लंबे टाइम से पूरा दुनिया यानी पूरे भारत देश भी तबाह है और तंगी में है, उसके बावजूद भी स्पेशल ट्रेनों की महंगाई बढ़ रही है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है। इस तरह से लगातार बढ़ रहा है जब किराया और लोग परेशान हो रहे हैं। अभी हम पहुंचे हैं पटना जंक्शन पे, लोगों का राय जानना कि क्या उनका कहना है। अब देख तस्वीरों में देख सकते हैं पटना जंक्शन पे अभी ट्रेन जाने का टाइम हो गया। हमारे साथ भाई साहब हैं, आइए इनसे जानते हैं। स्पेशल ट्रेनों का किराया बढ़ा दी गई है, अगर आप बीच में भी उतरते हैं तो 500 किलोमीटर का किराया देना होगा, क्या कहना चाहते हैं? नो कमेंट्स। ये कुछ लोग बताना नहीं चाहते हैं। अच्छा, हम आइए जानते हैं भाई साहब। हेलो, देखिए स्पेशल ट्रेनों का, स्पेशल ट्रेन का जो किराया है वो बढ़ा दी गई है, अब 500 किलोमीटर का आपको देना होगा। बीच में भी बस का ही भाड़ा बढ़ चुका है, ट्रेन का ही बढ़ चुका है, सबका भाड़ा। क्या कहना चाहते हैं जो स्पेशल ट्रेनों की किराया बढ़ाई जा रही है? इस गलत है। इस पर भारत सरकार को चाहिए कि बस किराया सबका रेट कंट्रोल करे या एक फिक्स कर दे कि इतना आपको लगेगा बस का, ये यहाँ से यहाँ तक का इतना रहेगा। ट्रेन की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें भी वो फिक्स करे ट्रेन में कि वो इतना ही भाड़ा लगे, इतना ही लोकल ट्रेन को, या फिर जो भी ट्रेन चल रही है एक्सप्रेस उतना ही देना है, हाई रेट नहीं लाए, क्योंकि लोगों के पास आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है और लोगों के पास पैसा है नहीं उतना कि वो साथ में लॉकडाउन की भाड़ा वो बेसी दे सकते हैं। क्या कह रहे हैं आप? हम क्या बोलेंगे सर, अभी तो बहुत ज़्यादा भाड़ा लग रही है, लॉकडाउन के वजह आदमी के पास पैसा वैसा नहीं है, 7-8 महीना लॉकडाउन लग गया है, आदमी के पास पैसा भी होना चाहिए। ट्रेन का इतना किराया बढ़ गया है, इतना किराया कहाँ से लाएगा पब्लिक, यही हम बोलना चाहते हैं। देखिए लोगों का राय है कि लोग के पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, पूरी तरह से जेब खाली पड़ा हुआ है, सफ़र करना है, और भारत सरकार स्पेशल ट्रेनों की जो किराया बढ़ाई है उसको लेकर लोग परेशान है। उनका कहना है कि किराया कम करना चाहिए, पूरे देश तबाही से जूझ रहा है, आर्थिक स्थिति है और कोरोना का संक्रमण को लेकर लोगों के पास नौकरी भी नहीं है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम जानते हैं, उनसे भी बात करें। भागलपुर जाने के लिए 500-600 रुपये किराया लेता है, ये अन्याय है। सरकार को, बिहार सरकार को भी कहना चाहिए, कोरोना वायरस से आदमी को पैसा नहीं है किसी के पास खाने का मोहताज है, किराया कहाँ से देगा? उस पर भी जाता है तो क्यूल में पकड़ता है तो टीटी सीधे 1,000-2,000 रुपये लेता है। इसीलिए कानून बोरा इस मुख्यमंत्री से कहना निवेदन है कि आप किराया सस्ता कीजिए, चाहे लोकल ट्रेन चालू कीजिए, उसे जितने सीट उतने के लिए किराया ठीक कीजिए। ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, भागलपुर जाने के लिए 500 रुपये किराया देना पड़ जाता है, 500 रुपये कमाई नहीं है, यहाँ लेबर मिस्त्री आदमी भूखे मर रहा है, आपको जिताए हैं फिर दोहरा के कि आप गरीब आदमी को हेल्प कीजिएगा, मगर आज तक हेल्प नहीं किए, कर रहे हैं, परेशानी बढ़ते जा रहा है, कभी कोरोना के कभी नोटबंदी कभी बालूबंदी, इस लेबर मिस्त्री मरेगा क्या जिएगा? उसके बाद मकान वाला भी किराया अलग बढ़ाता है। सबकी अपनी अपनी समस्या है, सब लोग अपना समस्या रखते हैं और बात करते हैं, लेकिन मुख्य चीज़ एक ही है कि किराया कम होना चाहिए। आइए हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे। स्पेशल ट्रेनों की किराया बढ़ा दी गई, जो लोग अगर पटना से भी सफ़र कर रहे हैं, बीच में भी उतर रहे हैं, तो उनको 500 किलोमीटर का किराया देना होगा और भारत सरकार स्पेशल ट्रेनों का किराया बढ़ा दी है, क्या कहना चाह रही है आप? ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है, हम लोग भी बहुत दूर से आ रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है, लोग अपना व्यवस्था करके जा रहे हैं, सरकार को चाहिए कि वो ऐसा सुविधा दे कि लोग यात्री अपना सफ़र अच्छे से कर पाए। धन्यवाद। देखिए साफ तौर से मैं बता दूं कि जो भी लोग सफ़र कर रहे हैं पूरे परेशानी झेल रहे हैं और उनका स्पष्ट तौर से कहना है कि सरकार को किराया कम कर देना चाहिए ताकि लोग को सहूलियत हो, आराम हो जाने में, और जिस तरह से पूरे साल आप कह सकते हैं पूरे साल जो कोरोना संक्रमण का खतरा के कारण पूरा देश पूरा दुनिया तबाह रहा, उसके कारण आर्थिक स्थिति रहा और नौकरी चली गई, लोग के पास पैसे नहीं है और किराए में लगातार जिस तरह से स्पेशल ट्रेनों की हम बात कर रहे हैं महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं सर, हम सर से हम जानते हैं स्पेशल ट्रेनों की जो किराया है उनको सरकार बढ़ा दी है,
और अगर आप बीच में भी सफर करते हैं तो 500 किलोमीटर का किराया देना, इसको लेकर क्या करेंगे? गलत है ये। अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता जा रहा है उस हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारी तो ये प्रतिक्रिया है। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जिस तरह से पूरे अगर साल देखा जाए तो आर्थिक स्थिति रहा, लोग के पास नौकरी नहीं रही, जी उस हिसाब से गलत है। अब क्योंकि मजबूरी है, अब लोगों को अब अपने काम धंधों के लिए ट्रैवल तो थोड़ा करना पड़ रहा है, या जो भी है और भी कोई पारिवारिक स्थिति, शादी ब्याह या कहीं गमी अमी अटेंड करनी तो जाना पड़ रहा है, तो उसके लिए गलत है, नहीं बढ़ाना चाहिए था। सब कुछ एक ही सबका एक ही जवाब है, किराया नहीं बढ़ाना चाहिए। लोग अपने अपने राय दे रहे हैं, जिस तरह से पूरी दुनिया तबाही से, समस्या से और आर्थिक मंदी से जूझ रही है, उसको लेकर स्पष्ट तौर से उनका कहना है कि सरकार को किराया कम कर देना चाहिए ताकि लोगों को सहूलियत हो। जिस तरह से पूरे दुनिया में, पूरे देश में जिस तरह से एक साल तक, यानी पूरे साल की बात करें तो लोग तबाह रहे, परेशान रहे, समस्या से झेलते रहे, और आज भी कोरोना का संक्रमण है और लोग के पास नौकरी नहीं है, उसके बावजूद भी स्पेशल ट्रेनों की महंगाई बढ़ रही है। लोगों का राय है कि सरकार को ध्यान रखना चाहिए और किराया स्पेशल ट्रेनों का कम कर देना चाहिए। तो ऐसे तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहे NBC 24। NBC 24, सच की ताकत।